घुटने के दर्द में आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको घुटने का दर्द रहता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 2, सीरीज नंबर 2। जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसमें आपको करना क्या है, आपको ऐसा कोई तकिया चाहिए। जी हाँ, एक कोई भी तकिया या आपके पास चादर है तो चादर ले लीजिए, और उसे करना क्या है, बस आप दोनों घुटने के बीच में इस तरह से उसे पकड़ लीजिए। देखिए मैंने कैसे पकड़ा है, घुटने के बिल्कुल बीच में, और आप उस तकिए को पकड़ने की कोशिश कीजिए। छोड़िए पकड़िए, छोड़िए पकड़िए, छोड़िए और पकड़िए। जब आप पकड़ते हैं तो उसे कम से कम 5 से 10 सेकेंड पकड़े रहिए। जी हाँ, पकड़ के रखिए 5 से 10 सेकेंड या 5 से 10 ब्रेथ आराम आराम से, और फिर छोड़िए। इससे क्या होता है कि आपके जो घुटने के इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स होती है, आपकी ग्रोइन होती है, और आपके जितने भी लोअर लेग्स के मसल्स होते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, जिसकी मदद से आपका अगर नी में हमेशा आपके पेन रहते हैं या आपके नी के अंदर हमेशा कोई आवाजें आती रहती हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको आराम मिलता है। ये आप कम से कम 10 से 12 बार कीजिए, दिन में 2 से 3 बार करने की कोशिश कीजिए, और आप खुद ही देखेंगे आपको आराम बहुत जल्दी आएगा। इसी के साथ आप हमारे दूसरे नीज के ऊपर के जो वीडियोस हैं उन्हें भी यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगले वीडियो में हम नीज के ऊपर ही आपको बताएंगे थर्ड एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है, जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।